पंजाब सरकार के मिशन तंदुरुस्त तहत कई दुकानों के सैंपल लाए जाते हैं, पर फिर भी दुकानदारों वालों साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। अजिहा मामला देखने को मिलया हुशियारपुर, जिथे शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने कहा कि उन्हां दी बेटी ने दुकान तो खाने का समान लिया सी, लेकिन खाने के समान विचों कीड़े निकले हैं। जो इसकी शिकायत दुकान के मालक नूं कीती तां उसका गलबात करन दा लहजा ठीक नहीं सी, जिसके चलदे उन्होंने जिला फूड सेफ्टी अधिकारी लखवीर सिंह नूं शिकायत की है। इस मौके पर लखवीर सिंह ने दुकान के सैंपल भरे हैं। सर, मैं इन्हां दी शॉप दे उत्तों पकौड़े लैके गया सीगा शाम दे टाइम। हाँ, दिल्ली पकौड़े विचों कॉकरोच निकलिया सी इन्हां दे पकौड़े दे विचों। इन्हां नूं उस तों बाद मैं आके इन्हां दी कंप्लेन भी कीती सीगी, इन्हां नूं दस्सिया ने, लेकिन उस वेले कोई जवाब नहीं, रिस्पोंस नहीं मिला। फोन तुसीं कंप्लेंट कित्थे कीती सी जी? सर, मैं डीएचओ साहब नूं कंप्लेंट कीती सी। ठीक है जी, ते ओ पिक दिखाइए जिहड़ियां पकौड़े निकलियां जिहड़े कॉकरोच निकल। मैं पहले सच चुके थी, बाद मेरी बेटी खाती थी, बेटी ने तो बाइट कटी और फिर निकल गया। की कहना चाहोगे इदा के फूड से जिदा तुम बहुत मनपसंद फूड दे के खा रहे हो, वो बारे की राय कहना चाहोगे? सर, चलो हम जी गलती इन्होंने तो होनी सी होगी, तो खैर वैसे चाहिए कि साफ सफाई चाहिए अगे तो ध्यान रखना हर चीज़ का, जो भी है कल किसी होर भी हो सकता है। सेहत अधिकारी डॉक्टर लखवीर सिंह का कहना है कि शहर में बहुत सारिया दुकाना अजिहां हैं जिथे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। शिकायत तो बाद विभाग ने दुकान विचों खाने के सैंपल लए हैं और लैब विच भेजे हैं, रिजल्ट आने के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अज इत्थे साडी फूड सैंपलिंग वास्ते टीम आई है, जिहदे विच मैं डॉक्टर लखवीर सिंह जिला सेहत अफसर, मेरे फूड सेफ्टी अफसर हरदीप सिंह नाल है, फूड टीम के मैंबर परमजीत है और साढ़े राम लभाया जी। सो साडा मंतव यह सीगा भी हफ्ता क पहला लगभग पहला एक कंप्लेंट आई सी साढ़े को, मेरे ना फोन पर भी उन्हें मेरे पिक्स भी भेजिया सी भी पकौड़े के कॉकरोच आई है, तो कॉकरोच जी बंदा बड़ा अनॉयड सी भी मेरी बेटी खाण लगी सी, तो वो बेटी बड़ी होर तरह हो गई, पैनिक हो गई। सो उन्होंने मैं कहा कि मैं जो छुट्टियां मेरिया खत्म हो उदों मैं कार्रवाई करूँगा, तो अजे तीन मेरी सेहत नहीं ठीक, मैं छुट्टी पर सज मैं अच्छ मैं ज्वाइन किया 21 तरीक न, अज मैं उस कंप्लेंट पर जी शिकायत कार्रवाई करद्या होया इतें आया, तो मैं अज इतने एक पकौड़े जिदा जिस पकौड़े चाह कॉकरोच पाया गया सी, एक सैंपल लिया सी, एक प्रपेयर्ड जे चने चिट्टे वाइट चने एक सैंपल लिया। कार्रवाई साड़ी जी खरड़ लैब है उत्थे सैंपल जिदा रूटीन चे जाते हैं, ये सैंपल जाएंगे, जे सैंपल स्टैंडर्ड के मुताबिक होए पास होए तो कोई कार्रवाई नहीं होनी, जे उहदे विच अडल्ट्रेशन आउंदी है किसी तरह की जां अनसेफ आउंदा कोई भी प्रोडक्ट तो फिर लीगल कार्रवाई करनी है, उहदी लीगल कार्रवाई करांगे। सर, बरसात के दिन है कि इन्हां दिनों दे विच फंगस वगैरह जी आम तौर दे उत्ते आ जांदी है, यह मुहिम लगातार जारी रहेगी? ये मुहिम देखो तुसीं पहलां भी देखिया होना भी जनवरी तो मैं ज्वाइन किया होया 1 जनवरी तो ए ते आपां बैठे नहीं है, बिल्कुल निरोल जिहड़ा साडा सैंपलिंग करना है, पंजाब सरकार दा जिहड़ा मिशन तंदुरुस्त पंजाब है, कुमार राहुल IAS फूड कमिश्नर है, उन्हां दे ये सख्त आदेश है कि किसी भी हालत विच मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। सो कोई किसी तरह का मैं बार बार एक गल कहना भी सिंगल पॉइंट साडा एजेंडा आ, कोई दो नहीं, ना तो किसी नूं तंग परेशान करन दा मंतव है, किसी नूं कोई टारगेटाइज करके कोई किसी नूं करदे आ, नो, साडा सिर्फ ते सिर्फ मतलब है कि लोगों नूं म्यारी चीज़ा शुद्ध चीज़ा जिहदी वो कीमत अदा करदे आ उहनां नूं मिलनी चाहीदी है, वह बिल्कुल हर हाल च आपां इनश्योर करांगे, और यह मुहिम जिहड़ी वेव है ना इदां ही चलदी रहेगी, कोई होर कोई परपज नहीं। मैं कई बार ये कह चुका कि गल सालां दी नहीं हैगी, गल महीनियां दी नहीं हैगी, मैं गल दिनां दी करदा हुंदा भी जिन्ने दिन DHO रहांगे जिन्ने दिन फूड टीम लैके चलांगे इदां ही काम करांगे और इमानदारी नाल काम करांगे, कोई कंप्लेंट नहीं कितों मिलेगी।